नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं SSC MTS के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है वो आपको सबके बारे में बताने वाले हैं। इतने नंबर आ रहे हैं तो हो गया सिलेक्शन, जाने से अपना सेफ को फाइनल मेरिट के लिए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही है, वो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम सब सारे उसका रिजॉल्व होगा। जैसा आप लोगों को पता ही है, हमारा जो एग्ज़ाम था वो एक महीने चलने वाला है, तो एक महीने चलने वाला है। अगस्त में एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था और सितंबर तक चलना है, तो पता है एक मंथ एग्ज़ाम चलेगा। तो हमें कट ऑफ जानने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं लास्ट ईयर की कट ऑफ के बारे में। जी हाँ, जो लास्ट ईयर कट ऑफ थी वो क्या थी। लास्ट ईयर की कट ऑफ और इस ईयर की कट ऑफ में डिफरेंस इसलिए रहेगा क्योंकि दोस्तों आप सबको पता होगा, नहीं पता होगा क्योंकि लास्ट ईयर का जो पेपर था वो 150 मार्क्स का था और इस साल जो पेपर है वो 100 मार्क्स का है, इसलिए जो कट ऑफ में डिफरेंस तो आना ही आना ही है। लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी जनरल वालों की, लास्ट ईयर कट ऑफ जो पता है 110 कट ऑफ थी लास्ट ईयर वालों की। लास्ट ईयर 110 कट ऑफ थी, 110, और वहीं OBC वालों की कट ऑफ लास्ट ईयर बहुत कम गई थी, SC ST से भी कम गई थी। अब तो मैं बता दूँ, SC ST से OBC कट ऑफ कम गई थी, तो एवरेज आज मान लीजिए 110 जो हमारा परसेंटेज बनता है तो 73 point something परसेंटेज बनता है कट ऑफ जाने का। दोनों ही कट ऑफ के बारे में बात करेंगे आज। तो देखिए दोस्तों, आप सबको पता है 110 से अपनी कट ऑफ गई थी, 110 कट ऑफ गई थी टायर वन की। तो अब मैं आपको बता दूं, जो इस साल जो कट ऑफ जाने वाली है जनरल की, OBC की, SC ST की और फीमेल, वो तो बहुत ही ज़्यादा जाने वाली है क्योंकि इस साल कंपटीशन बहुत है। आप सबको पता है हर साल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, कैंडिडेट की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज ही होती जा रही है, कम नहीं हो रही है। चाहे कितने भी वैकेंसीज निकाल लीजिए, जो कैंडिडेट्स की जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट बहुत इंक्रीजिंग रेट चल रही है, बहुत बहुत ज़्यादा। और बात करें प्रेजेंट की, और बात करें जो हमारे प्रेजेंट एब्सेंट की, तो ऑलमोस्ट 65% जो स्टूडेंट थे वो प्रेजेंट हैं। मतलब मैंने दो सेंटर पता किया था, तो हमें सेंटर में बता रहे थे कि ऑलमोस्ट जो 200 का बैच था, 200 के बैच में लगभग 80-90 और किसी किसी में 120 के आसपास बच्चे प्रेजेंट थे 200 के बैच में। तो आप इससे अंदाज़ा, मैंने एवरेज स्कोर लगाया है 65% हो या फिर 60% आप बोल सकते हो वो था। ठीक है दोस्तों, 65% प्रेजेंट कम बात नहीं है, तो आप इसके हिसाब से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अब मैं जो बताने वाला हूँ, जनरल की कट ऑफ, OBC, SC तीनों की कट ऑफ बताने वाला हूँ। जनरल की कट ऑफ जाने वाली है 75 to 78, ये मैं टायर फर्स्ट ही कट ऑफ बताने वाला हूँ, आपको फाइनल मेरिट भी बताऊँगा थोड़ी देर में। OBC की जाएगी वो हमारी जाएगी 69 से लेके 73 तक, SC ST की और कम थोड़ी जाएगी 65 से 68, और फीमेल की तो आपको सब पता ही है 70 से 73 के आसपास फीमेल की कैटेगरी हिसाब से फीमेल की जाने वाली है। तो जो इस साल की कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा जाने वाली है। और अब बात करते हैं अपनी फाइनल मेरिट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो फाइनल मेरिट आप बनेगी, फाइनल मेरिट आपका सिलेक्शन होना है उसके बारे में बात करते हैं। फाइनल मेरिट की कट ऑफ क्या जाने वाली है, जनरली फाइनल मेरिट कट ऑफ जाने वाली है 85+, ऑलमोस्ट 85+ आपका स्कोर है तो आप मान लीजिए आप फाइनल में सिलेक्शन है, आप सिलेक्टेड हो चुके हैं, 85+ आपका जनरल कट ऑफ है। तो और OBC की बात करें तो 80+, और SST की बात करते हैं तो 76+ भी ले आएंगे ना फाइनल मेरिट में आपका नंबर आ जाएगा 76+। और फीमेल की बात करें तो 75+ या फिर 80+ आपका स्कोर है, 75 से 80 के आसपास आपका स्कोर है तो आप फाइनल मेरिट में आप आ सकते हैं बड़े आराम से। तो आप ये कट ऑफ मान के आप अपना तैयारी कीजिए, अगर आपका इतना कट ऑफ बन रहा है तो आप नेक्स्ट टायर जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसकी तैयारी कीजिए और जम के लग जाइए, क्योंकि बस आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद आपका रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि आप सबको पता ही है कि जो जब से TCS लगा है तो SSC की जो वैकेंसी है और जो रिटर्न एग्ज़ाम कम्प्लीट कर रहा है तो वो जल्दी जल्दी हो रहे हैं,
चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आज इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।